जाना है हमें सेक्टर 7 द्वारका। पहले कर दो मल्ला जी, ये मिल रही है भैया बेटा। वेलकम बैक टू द चैनल 5% व्लॉग्स। आज है हम द्वारका रोड पर और यहाँ पर खड़े हैं एक भाई के इंतजार में। जाना है हमें सेक्टर 7 द्वारका में, लेकिन द्वारका से पहले हमारे भाई जो हैं वो पट भूल गए हैं और उनको रिसीव करने के लिए हमने भेजी है लोकेशन, और जैसे आ जाएंगे तो निकलेंगे हम सीधे अपने लोकेशन पर, क्योंकि चाचा है हमारे, चाचा बोलो आए। और आज का टूर है मेरा दिल्ली का, और इसमें मैं जो आया हूँ एक फंक्शन में आया हूँ जिसका नाम है फास्ट। यहाँ पर चाचा को देना है बात और इसी फंक्शन को लेकर हमें आना हुआ है दिल्ली, और इसमें क्या क्या होता है पूरा मैं दिखाऊंगा समथिंग। अब जो टाइम हो रहा है लगभग 1 से 1.5 बज रहे हैं, और सुबह के समथिंग हम निकले हैं 9 से 10 बजे तक, 10 बजे निकले सुबह मॉर्निंग में। और आज मैं हॉलीडे पर हूँ, काफ़ी समय के बाद मुझे मिला हॉलीडे, और फील्ड भी मेरा आज ऑफ है, और यहाँ से जाने के बाद मैं करूँगा फील्ड अपना कवर। अब सीधे निकलते हैं हम भाई के जहाँ हमें जाना है लोकेशन पर, वहाँ जाएंगे और वहाँ क्या क्या होता है आपको पूरा नज़रिया दिखाया जाएगा। ये मेरी कार खड़ी है यहाँ पर, इसमें फैमिली बैठी हुई है, और इस टाइम मैं एयरपोर्ट के आसपास हूँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के आसपास हूँ। यहाँ पर फ्लाई जो एरोप्लेन है वो आसपास से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे फंक्शनों में आना यानी टाइम का स्पेंड करना, तो आज मेरा हॉलीडे भी है, लेकिन हालांकि मुझ पर काम नहीं, काम भी है, लेकिन कल मैं उन विजिटों को कवर करूंगा जो आज रह चुकी हैं। पूरा टाइम लगभग लग चुका है, क्योंकि सुबह 10 बजे का चला हुआ, लगभग मुझे जो आना हुआ यहाँ 2 से 2.5 के समथिंग मैं आया, और पूरा दिन लग गया। अब ये 5 o'clock हो रहे हैं इवनिंग के, और समथिंग हम निकलने वाले 1 से 1.5 घंटे में। हालाँकि टाइम लगता है, अगर दिल्ली से निकलेंगे आप आउट ऑफ विलेज या आउट ऑफ शहर में, तो 10 बजे के अगर बाद निकलेंगे तो काफ़ी बेटर रहता है। इससे क्या होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता लॉन्ग लाइव, और साथ ही साथ आसानी से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें जाना है जल्दी, क्योंकि फैमिली साथ है, और धीरे धीरे अगर निकलेंगे तो जल्दी काफ़ी बेटर रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लिप पर, बने रहिए इस ब्लॉग्स पर। वापसी दे दिए इसके, क्या वापसी मिल जाएगी, कभी तनख्वाह भी रख लेगा अपने पास ही पकड़े से। बिल्कुल मिल जाएगी सब। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम द्वारका सेक्टर 7 में, और समथिंग हमारा जो टूर था 1.5 घंटा हमें लगा आने में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और हमारे जो मुल्ला जी हैं वो भूल गए थे रास्ता। सीधा हमें आना था द्वारका सेक्टर 7, लेकिन ये निकल गए सेक्टर गुड़गांव की तरफ। अब दिखाता हूँ मैं जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, और साथ में चाचा हैं हमारे, और एक हमारे मुल्ला जी हैं। ये हमारे मुल्ला जी हैं। मुल्ला जी बोलो अपने बारे में, कैसा रास्ता भूल गए? दिल्ली दिल्ली तो बस भूल ही जाने, लहंगाई चक्कर भूल गए। ये डॉक्टर साहब है हमारे, और ये चाचा है हमारे, चाचा और मैं साथ साथ थे, और मुल्ला जी और डॉक्टर साहब ये दोनों साथ साथ थे, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटेड मिस्टेक होने की वजह से, कुछ आगे गलत आने की वजह से रास्ता भूल गए थे हमारे मुल्ला जी। और अब आपको हम दिखाएंगे पूरा टूर आगे क्या होता है, तो बने रहिए इस ब्लॉग्स पर, बहुत ही शानदार होने वाला है। मिलते हैं अगली क्लिक पर। लो जी चलो ना, कम लगा। अरे ले लो, मेरा देख के वैसे ही यार, ये तो माता जी नहीं कम लूंगा।
तो गाइस फाइनली खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद रनिंग भी कर लिए कुछ, जो जिससे हमारा खाना जो हजम हो जाए। और अब हम पी रहे हैं चाय, तीनों पार्टियां हैं और बहुत ज़्यादा ये मुल्ला जी जो हमारे इस टाइम में जो लगी पड़ी है रामपाल चौक जाने की, एक ही जुमा पे सवाल है कि रामपाल चौक जाना है, इनको रास्ते में मिलवाएंगे रामपाल चौक होते हुए रास्ते पर, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा उसका उस स्थान और वो एरिया बहुत अच्छा लगा। पहले पी लेते हैं चाय, पहले इधर दो मुल्ला जी, ये मिल रही है भैया विदा, तो शर्मा क्यों रहे हो, तीसरे पे डॉक्टर साहब, अच्छा चौथे पे मिल लिया हमें, ठीक है जी साहब, धन्यवाद, शुक्रिया। इस टाइम सेक्टर 7 में और यहाँ की सब गाड़ी पार्किंग वगैरह खड़ी है, यहाँ पर हमारी पार्किंग भी है। और ये हमारे चाचा, ये वाले, ये फुल मस्ती में है, और दूसरे हमारे भाई हैं मैनुद्दीन भाई, ये भी फुल मस्ती में सिगरेट उड़ा रहे हैं दबा के, और इनकी एक तमन्ना है रामपाल चौक जाने की, और वहाँ पर इन्होंने एक ऐसी सेटिंग बिठाई है जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे रामपाल चौक लेके चलो, वहाँ पर कॉफ़ी चाय नाश्ता इस तरह की इनकी डिमांड है, और वहाँ पर भी हम मूवमेंट करेंगे। अब सबसे पहले हम दिखाते हैं यहाँ की लोकेशन, और ये हैं हमारे डॉक्टर साहब जो प्रमोट कर रहे हैं ये दोनों को, ये पूरे मतलब टीम के हेड हैं एक तरह से। बहुत बढ़िया,